वेलकम टू माय चैनल। मराठी में एक मुहावरा है, वाल्याचा वाल्मिकी होणे। और ये जो मुहावरा है ये आपके ऊपर परफेक्टली सूट होता है। इसके पीछे की कहानी क्या है? ओम शांति। एक्चुअली वाल्या का वाल्मीकि, ये कहानी मुझे भी पता नहीं थी। हमने जब ब्रह्म कुमारी ज्वाइन की, और ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करने का उसके पहले का उसका जो मेन मकसद है क्यों ज्वाइन की, अच्छा, उसके बाद मुझे पता चला कि ब्रह्म कुमारी क्षेत्र में मुझे वाल्या का वाल्मीकि क्यों कहते हैं। अच्छा। ये मुझे क्यों शूट होता है, क्यों होता है शूट? क्योंकि एक्चुअली वाल्या की भी कहानी ऐसी थी जैसी मुझे मिलती जुलती है। जब ब्रह्म कुमारी मैंने ज्वाइन की, हाँ, मेरा जीवन जो था ये बड़ा अलग लाइन का था। उसको मैं सविस्तर नहीं बता सकता। लाइन मेरी गलत थी। मेरे लाइन में जो गलत शौक, गंदे शौक थे वो मुझे बचपन से ही कम उम्र में लग गए थे। अच्छा। जिसके कारण मैं त्रस्त हो गया था अपने जीवन से। और पता चला मुझे कि एक आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ के कोई चेंज हो सकती है क्या। तो वो चेंज होने के लिए मेरी जो सारी बुराई थी, शराब पीना, लड़कों के साथ जुगाड़ खेलना, एक बार तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई झगड़े के कारण जेल में भी जाना पड़ा। तो उसके बाद जब मैं आध्यात्मिक क्षेत्र को मैंने ज्वाइन किया, तब मुझे पता चला कि एक वाल्या होके गया। तो वो कैसा कि वो लोगों को तकलीफ़ देता था, लूटमार करता था, हत्याएं करता था, और उसका सारा धन ले जाके अपने घर वालों को, परिवारों को देता था। अच्छा। तो जब उसको एक संत मिला, तो संत ने बोला कि आप ये जो करते हो, हत्या करते हो, उनको लूटते हो, और फिर वो सारा सहयोग अपने घर पे लेके जाते हो। अच्छा। तो भले आप मुझे आज मुझे भी लूटो, मेरी हत्या कर दो, पर मेरे सवाल का जवाब आपके परिवार से एक लेके आओ। अच्छा। बोले कौन सा सवाल? तो बोले आप जो करते हो इस पाप के भागीदारी में जितने आप हो उतने वो भी आपके साथ है क्या, परिवार वाले। अच्छा। है क्या? तो ये गया घर पे और सबको बिठाया। जब इसने कहा कि मुझे आज एक संत ने ऐसा ऐसा सवाल पूछा, और ये पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि मैं आज तक जो करता रहा उसमें आप सब सहयोगी हो मुझे। अच्छा। ये पाप के इसमें आपका भी सहयोग है। उन्होंने सभी ने एकदम मुंह मोड़ लिया, और मुझे एकदम बहुत फील हुआ, बहुत बुरा लगा। मैं तुरंत दौड़ते दौड़ते आया और संत के नतमस्तक होके मैं रोने लगा। अच्छा। हाँ, तब से वो वाल्या का वाल्मीकि बना। ओके। फिर मुझे पता चला कि मुझे भी ये क्यों शूट होता है, मेरी भी जीवन में मिलती जुलती कहानी तो ऐसी थी। आप जो पहले थे शराब पीना, नशा करना, जेल में जाना, और तब और बाद में जब आपने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन किया, उसके बाद में अभी जब आप ऐसे बने हो, आध्यात्म से जुड़े हो, तो इसीलिए आपके ऊपर ये सूट करता है। अब होता है कि बचपन में हर कोई, एक हर इंसान, आप हो या मैं हो या दुनिया का कोई भी प्राणी हो, पशु हो, वो बचपन में एकदम सादा इंसान रहता है। तो आपका कोई बचपन के भी ऐसे फ्रेंड है जो आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं? हाँ, मेरे बचपन की फ्रेंड आज भी जुड़े, और आज भी मेरी उनके साथ की जो कम्युनिकेशन है वो कभी गैप नहीं गिरी। उस समय से लेकर आज तक, चाहे मैं अज्ञानता में भी वैसा था, अभी मैं संस्था से जुड़ा हूँ, ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूँ, तब भी मेरा मैसेज उनको डेली रहता है, डेली जाता है। अच्छा। कि मैं अच्छे संस्था से जुड़ा हूँ, और उनकी ब्लेसिंग और मेरे कम्युनिकेशन नेचर की जो ब्लेसिंग दुआओं की है, सबके साथ मिलना, सबके साथ संस्कारों की रास करना, सभी के साथ न्यारा रह के भी सबके साथ प्यारा भी रहना, समय समय पे सबके साथ मिलन जुलन से रहना, सबके सहयोग में, सुख में, दुख में साथी बनना। अच्छा। तो वो आज भी मेरा उन मित्रों के साथ का रिलेशन आज भी है। अच्छा। आप जैसे अपनी पहले की कहानी बताई है कि जिस तरह से आप एक बिगड़े हुए युवा थे, ओके, तो तब आपकी भगवान के प्रति चाह थी, आप उनके प्रति श्रद्धा थी, और आपको किसने प्रोत्साहित किया कि आपको ब्रह्म कुमारी ज्वाइन करना है? अभी भगवान के प्रति तो मेरी आस्था बचपन से थी, और हमारे घर में मम्मी पापा ये धार्मिक वृत्ति के थे। अच्छा। लेकिन मुझे भी मंदिरों में जाना, सत्संग में जाना बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। मैं हनुमान की पूजा करता था। हर शनिचर को वो इसके दाने रहते ना, तुअर के दाने, हाँ, वो 11 दाने उनको फुलाना, सिंदूर लगाना, तेल डालना, ये मैं हमेशा करता था। संतोषी माता के उपवास करता था। अच्छा। और अपना शेगांव की वारी जो रहती थी गजानन महाराज की, हाँ, वो भी हम करते थे। अच्छा। हमारे घर के सामने गजानन महाराज का मंदिर था, हर गुरुवार को वहाँ के पैसे गिनना वगैरह वो सब हम करता था। अच्छा। सिर्फ ये गलत जो खामियाँ थी उसके कारण मम्मी पापा को बड़ा चिंता रहती थी कि ये सब करता फिर ये भी करता। अच्छा। तो उस समय हमारे मम्मी पापा ब्रह्म कुमारी से जुड़े थे। ओके। तो बोले एक बार आप ब्रह्म कुमारी में चलो, एक बार माउंट आबू जा के आओ, आप एक बार बाबा को मिल के आओ। तो तब मैं ऐसे टाल देता था कि हाँ जाएंगे। तो एक बार सही में वो दिन आ गया कि हमारे मम्मी पापा बोले एक बार चलो। अच्छा। तो हमारे दीदी से छुट्टी ली, जो अभी अमरावती जिले की संचालिका है सीता दीदी। अच्छा। और उनका भी स्नेह प्यार बहुत अच्छा था। उनसे जब पहली मुलाकात हुई हमारी तभी हमको ऐसा लगा कि अब एक बार जाना चाहिए माउंट आबू। ओके। तो हम मम्मी के साथ माउंट आबू गए, लेकिन जाने के पहले हमने एक शर्त रखी। अच्छा। कि मुझे अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो मैं बीच में से वापस आ सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं नशे बगैर रह नहीं सकता हूँ। अच्छा। मुझे नशा चाहिए। तो मैंने अपना गुप्ता से कुछ नशा साथ में लेके, मतलब आप जब माउंट आबू जा रहे थे तो आपने आपका पूरा जो मतलब नशे की ये थी जो सामग्री थी वो आपने साथ में रखी थी। वो साथ में रख ली थी और अभी भी मम्मी पापा को पता नहीं था। अच्छा। हमने ले ली थी और वो आबू रोड तक धीरे धीरे हमने वो नशा पानी करते रहे। लेकिन जब वो उस भूमि के आसपास जब पहुँचे तो क्या ऐसा लगा कि इस पवित्र जगह भी अगर हम नहीं सुधरे तो ज़िंदगी में क्या ले जाएंगे। तो अचानक मुझे एक ऐसा एक संकेत एहसास हुआ। मैंने वो सारा मटेरियल सामग्री वहीं की वहीं ट्रेन से फेंक दिया। और बुद्धि में एक ही था कि ये ऐसी जगह है यहाँ आसुर से देवता बन जाता है। अच्छा। ये मेरे बुद्धि में पहले से था। और ये भक्ति भाव के संस्कार थे तो लगा कि शायद भगवान का ये होगा कि यहीं बुलाना है मुझे। ओके। तो फिर जैसे हम गए वहाँ पे स्नान पानी किया, फिर वहाँ जाती एक प्रथा है कि बाबा के कमरे में जाना पड़ता है। अच्छा। तो बाबा का कमरा तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था। ओके। अब क्या बाबा कमरा, तो बाबा का कमरे में गए थे। एक सफ़ेद वस्त्रधारी एक बाबा जी ऐसे बैठे थे फोटो में। मैंने कहा बाबा यहाँ तो आए हम लोग, लेकिन मेरी हिस्ट्री तो तुझे पता है, तू तो भगवान ही है। अच्छा। तू तो सब जानता है। मैं दुनिया से त्रस्त हो गया हूँ। उसको मैंने ऐसी अपनी कहानी बताई कि मैं बहुत बिगड़ चुका हूँ, यहाँ तक कि मैं आपके यहाँ आने तक मैंने नशा किया। अच्छा। हाँ, यहाँ तक उसको सच्चे से बता दिया मैंने। तो मैंने कहा कि आपको मैं सच्चे बता रहा हूँ, अब सही में आप में यहाँ पे पावर है। तो मैंने यहाँ से दुनिया का पूरा नाम, ऐसा मेरा नाम छाया चाहिए, ये क्या था क्या नहीं था। अच्छा। दुनिया में वाला का जैसा हो गया ऐसा ये भी एक वाला है और अमरावती शहर में हर कोई उसको ये होना चाहिए। अच्छा। एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि ये क्या था और क्या बन गया। ऐसा बोल के ऐसी अर्जी डाल के मैं वहाँ 6 दिन 4 दिन के हिसाब से मैं गया था। मैं 2-2.5 महीने आया नहीं। Okay. मैं इतना लीन हो गया वो नशे में, वो वहाँ का वातावरण, वो वहाँ की शुद्धता, वहाँ की पवित्रता, वहाँ के दीदी दादियाँ, हाँ, उनका प्यार, एकदम मैं भूल गया अपने आप को। और नशा आ गया मुझे कि ये नशा और ये ईश्वरीय नशा, ये ईश्वरीय नशे से मैं एकदम भरपूर हो गया। अभी एक सवाल आता है, जैसे अभी आप आध्यात्म से जुड़ चुके हैं, तो अगर किसी को गुस्सा आता है तो गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते कोई? हम लोग एक बार नागपुर से आ रहे थे। हमारा एक ट्रेन था, लगभग रात के 10-11 का बीच का समय था। ओके। एक वो हाईवे से एक जानवर माना, उसका नाम जिसको अपन सांप कहेंगे, वो गुजर रहा था। अच्छा। तो तुरंत मेरे फ्रेंड की उसके लाइट पे वो नज़र गिरी, उसने गाड़ी रोकी। ओके। उन्होंने कहा कि राजेश ये तो मर जाएगा। बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं उतरता हूँ आप भी उतरिए। तो मैंने जब तक उसको क्रॉस नहीं होने दिया 2-3 मिनट तक, तब तक जाने आने की सारी ट्रैफिक मैंने रोक दी। अच्छा। अचानक एक जन पीछे से आया और मुझे एक तमाचा मार दिया। ओके। मुझे एक क्षण भी मुझे गुस्सा नहीं आया, पर उसने मुझे जो शब्द कहा उससे एक अच्छी वहाँ पर एक अच्छा सेवा हो गई। ओके। सेवा हर चीज़ में कैसी होती है। उसने मारा और कहा कि आप लोगों को मैनर्स नहीं किया, इतने रात पे लोग रात को घर जाने के लिए, बाल बच्चों को मिलने के लिए तड़पते हैं। अच्छा। और आप लोग ये सांप के लिए यहाँ पे ट्रैफिक जाम कर दियो। ओके। मैंने बड़े प्यार से सेकंड का मेडिटेशन करके बोला सर मैं जो आपको कहने वाला हूँ इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, ये आपको योग्य लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो मैं अपनी गलती मान लूँगा। अच्छा। मतलब जब उन्होंने आपको तमाचा मारा उसके बाद? हाँ, उसके बाद। तमाचा तो उन्होंने मार दिया, लेकिन मुझे उनके सवाल का, उन्होंने जो सवाल पूछा मुझे कि हम दिन रात थके रहते हैं, घर पे बाल बच्चे बीबी राह देखती है, हम वही धुन रहती है कि घर पे जाना है, और आप इस समय इतने रात को टाइम पास करते हो एक जानवर के लिए। हाँ, तो तब मैंने उनका सवाल पूछा, उसका जवाब दिया कि मैं आपको जो जवाब देने वाला हूँ वो अगर आपको योग्य लगे तो आपको रियलाइज़ हुआ तो आप मुझे एक अपने तरफ से, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन आपको ऐसा कुछ लगे तो आप इस चीज़ को स्वीकार करना। अच्छा। मैं जो आपको कहने जा रहा हूँ, तो मैंने उनको ये कहा कि सर जैसे आपने मुझे कहा कि घर पे राह देखते जाने वाले रहते, बाल बच्चे राह देखते, तो सर ये जो जा रहा था ना रात को, ये भी घर जा रहा है। अगर आज आप गाड़ी नहीं रोकते तो वो शायद घर पे कभी जा ही नहीं सकता था। अच्छा अच्छा। उसने नीचे मुंडी डाली और थोड़ा सा हल्का सा मायूस होके चला गया। अच्छा, अभी इसके बाद में है कि हर इंसान के ना कोई कमजोरी होती है। ओके, तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी सर एक है, आज भी है लेकिन आज कम है, क्योंकि राजयोग अध्यात्म में कमजोरियाँ निकलती हैं, लेकिन कमजोरी दो प्रकार की होती है। एक निगेटिव की बोले तो हमारे मन में कुछ तो भी गलत है। अच्छा, ये मेरी पॉजिटिव कमजोरी है। ये जो मैं कमजोरी का जो विश्लेषण आपको बता रहा हूँ ना, हाँ, ये मेरी पॉजिटिव कमजोरी है। ओके, कोई किसी के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, किसी को जैसे कोई किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेता है, धोखा देता है, विश्वासघात करता है, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। अच्छा, इंसानों के प्रति ये मेरी पहली पॉजिटिव कमजोरी। दूसरी मुख्य जानवरों को मारना काटना, हाँ, ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा आपका ये लास्ट सवाल है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी आपने ब्रह्म कुमारी ज्वाइन कर लिया है, तो आपके जीवन का भी लक्ष्य क्या है? अभी मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य सर ये है कि ब्रह्म कुमारी की जो परमात्मा ने जो निमित्त बनाया, ये जो हमारे मिशन को सबको पॉजिटिव हिसाब से, सबको सुख दुख जो है आज के ज़माने में सारा दुनिया दुखी है। अच्छा, सारा संसार डिप्रेशन में, उसको हर कोई निकालने के लिए देख रहा है। अच्छा, और हर कोई निकल रहा है, ये हमारे ब्रह्म कुमारी का मेन मोटोकॉल है। लेकिन मेरा ये तो है, लेकिन मेरे दरबार में, बाबा के दरबार में कोई भी आए वो यहाँ से भरपूर होके जाए। अच्छा, वो सुखी होके जाए, ज्ञान धन से और दान और अपने पुण्य दान से। माना ज्ञान से तो भरपूर होगा, लेकिन किसी की अड़चन है, कोई आया है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आज उसके लिए ऑपरेशन का पैसा नहीं है, तो खाली ना जाए यहाँ से। अच्छा, क्योंकि यहाँ दो प्रकार का धन है, एक ज्ञान धन, माना ज्ञान देके उसको विल पावर बढ़ाना। लेकिन स्थूल में अगर कोई भूखा है, हाँ, उसको अगर 2 टाइम का खाना चाहिए, तो उस समय मैं यही बोलूँगा, उसको ज्ञान नहीं दूंगा, पहले उसको मैं खाना खिलाऊंगा। अच्छा, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दी, मुझे लगता है कि शायद जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको आपके प्रति जो आपकी कहानी थी, आप कैसे थे और आप कैसे बने, तो अगर कोई जैसे पहले राजेश भैया थे, अगर कोई वो फेस से आज गुजर रहा होगा और अगर वो आज वो फेस से गुजरने के बाद में अगर वो आपके जैसा बन जाता है, ओके, तो उसके लिए और आपके लिए एक अचीवमेंट होगी कि आपने किसी एक व्यक्ति का जीवन को सुधारा है। और मेरा भी यही प्रयत्न रहेगा कि वो उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचे, वो इस बात को सुने और उसकी जो लाइफ है, जो भी पहले राजेश भैया जैसी थी, वो वैसी ना रहे बल्कि उससे अच्छी हो, यही मैं दुआ करूँगा। सो थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा। ओम शांति। Share and subscribe to our channel Cope Stone.